हाय फ्रेंड, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई चैटरिंग कम्स व्हाई मशीनिंग, यानी कि जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो चैटरिंग मार्क क्यों आता है, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैटरिंग मार्क आने के कुछ मेन रीजन होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नंबर वन पॉइंट है वाइब्रेशन। यदि अपना टूल वाइब्रेट हो तो चैटरिंग मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ओवरहैंगिंग, यानी कि टूल 40% से ज़्यादा ओवरहैंगिंग रहे तो चैटरिंग मार्क आएगा, और 40% से कम ओवरहैंगिंग रहे तो चैटरिंग मार्क नहीं आएगा। और ये 40% क्या होता है, किस तरह से इसको क्लेम करते हैं, आइए इसको ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैं 50% का बात करूं, 50% का बात करूं, तो सपोज ये अपना टूल है, सपोज ये यहाँ से 100 आएगा, टूल है 100 लेंथ इसका 100 है। ठीक है, ये 100 लेंथ है। अब यहाँ से 50% यानी कि ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं क्लेम करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 40% से ज़्यादा, क्योंकि जब ये 50% हुआ, इसका मतलब ये भी 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 40% से ज़्यादा यहाँ पे टूल अपना वर्किंग के लिए एक्टिव है। ठीक है, जब 50% से ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये टूल चैटरिंग करेगा, क्योंकि 40% से ज़्यादा ओवरहैंगिंग है। ठीक है दोस्तों, और यदि यहाँ से सपोज हम यहाँ पे जैसे 60 यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं, इस पोजीशन को हम लोग क्लेम करते हैं, और इतना टूल हैंगिंग रहेगा, इसका मतलब होता है कि इसमें चैटरिंग मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये 40% से कम है, या 40% या 40% से कम होना चाहिए, तब चैटरिंग मार्क नहीं आता। तो दोस्तों, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि 40% और 60% क्या होता है। यदि 40% से ज़्यादा टूल ओवर हैंगिंग रहेगा तो चैटरिंग मार्क आएगा, 40% से कम टूल ओवर हैंगिंग रहेगा तो चैटरिंग मार्क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बोरिंग बार डाया, यानी कि अपना जो बोरिंग बार का डाया है, यानी कि कितने डाया का हम लोग बोरिंग बार यूज करते हैं, उसके ऊपर भी चैटरिंग मार्क डिपेंड करता है। सपोज ये अपना जॉब है, सपोज इस तरह से अपना जॉब है, अब आईडी में हमें कोई जॉब बनाना है। ठीक है, ये इसका आईडी जो है, सपोज ये 50 है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसका आईडी ये 50 है। ठीक है, और यहाँ पे हम 32 का बोरिंग बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 32 का बोरिंग बार यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद तो यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा। क्यों वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 डाया दिया हुआ है, और 32 का यूज कर रहे हैं, और इसका लेंथ यदि यहाँ सपोज यहाँ पे 40 दिया हुआ, तो इसमें भी चैटरिंग मार्क आने की संभावना है। क्यों संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डाया तो अपना दिया हुआ 50। ठीक है, आईडी डाया अपना 50 दिया हुआ, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ बोरिंग बार को 32 डाया का बोरिंग बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 32 डाया का बोरिंग बार, इसका मतलब ये हुआ कि बोरिंग बार अपना पतला हो जा रहा है। पतला जब बोरिंग बार हो जाएगा, इसका मतलब होगा वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो चैटरिंग आएगा ही। ठीक है, तो यदि इससे 50 डाया या इससे ज़्यादा डाया का हम लोग आईडी बनाना होता है, तो हम लोग जितना मोटा से मोटा बोरिंग बार हो उसको यूज़ करते हैं, जिससे कि मोटा बोरिंग बार यूज़ करने से वाइब्रेशन कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है या वाइब्रेशन नहीं होता तो उससे क्या होता है कि चैटरिंग मार्क नहीं आएगा। यदि टूल वाइब्रेट करेगा तो चैटरिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑपरेशन के अनुसार, यानी कि अपने कार्य के अनुसार हम देख लेते हैं कि यदि डाया इसका आईडी का डाया 50 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 45 या 50 का बोरिंग बार यूज़ करें, या उससे कम का या 40 का बोरिंग यूज़ करें, वो सही है। लेकिन यहाँ पे यदि 50 डाया दिया हुआ और 32 का यूज़ करें, तो यहाँ पे चैटरिंग मार्क आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह का बोरिंग बार हम यूज़ करेंगे, किस डाया में, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पे बोरिंग बार लूज, यदि अपना बोरिंग बार या कोई टूल लूज रहे तो भी चैटरिंग मार्क आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटर आउट क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। ये स्पिंडल है, ठीक है दोस्तों, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल का सेंटर पॉइंट ये होता है। ठीक है, अब सपोज कोई बोरिंग बार है, सपोज यहाँ पे बोरिंग बार है, ठीक है,
इस तरह से बोरिंग वायर, देखिए ये स्पिंडल का सेंटर पॉइंट ये होता है और बोरिंग वायर का सेंटर पॉइंट ये, यदि ये सेंटर और ये सेंटर दोनों यदि मैच हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे चेंटिंग मार्क नहीं आ सकता। लेकिन यदि ये स्पिंडल का सेंटर ये है और बोरिंग वायर का सेंटर इससे या तो कम या तो ज़्यादा रहे, तो चेंटिंग मार्क आने की संभावना रहती है। यानी कि अपना स्पिंडल और टरेट का सेंटर सेम होना चाहिए। यदि सेंटर आउट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि चेंटिंग मार्क या वहाँ पे टिप या कुछ ना कुछ एरर आएगा ही। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी इस तरह से चेंटिंग मार्क आए तो पहले उसका सेंटर पॉइंट आप लोग चेक कर लें कि मशीन का सेंटर पॉइंट ठीक है या नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंटर आउट, यदि सेंटर आउट रहेगा तो इसका चेंटिंग मार्क आएगा ही। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, और नंबर टू करेक्शन, यानी कि ये तो आप लोगों को पॉइंट बतलाया मैं कि चेंटिंग मार्क क्यों आता है। अब यदि चेंटिंग मार्क आए तो उसको ठीक कैसे करेंगे, इसलिए नंबर टू पॉइंट है करेक्शन। देखिए चेंटिंग मार्क मान लीजिए हम 40 डाया, यहाँ पे मान लीजिए ये बोरिंग बार है। ठीक है, ये बोरिंग बार है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोगों, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझाया था कि यदि 40% से कम ओवरहैंगिंग रहे तो चेंटिंग मार्क नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी कोई कोई केस में ऐसा भी होता है कि 40% से कम क्लेम करने के बावजूद भी चेंटिंग मार्क आता है। ठीक है, तो यदि इस केस में चेंटिंग मार्क आए तो हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जब भी हम लोग बोरिंग बार स्लीव में सेट करते हैं, टरेट में सेट करेंगे, स्लीव में लगा करके टरेट में जब हम लोग सेट करते हैं, तो सेट करने से पहले सपोज ये बोरिंग बार है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है बोरिंग बार है। ठीक है, ये बोरिंग बार है, कोई भी बोरिंग बार में यहाँ पे देखिए, कोई भी बोरिंग बार में इस तरह से ऊपर में फ्लैट दिया रहता है। ठीक है, ये फ्लैट दिया रहता है, यहाँ पे बोल्ट टाइट करने के लिए फ्लैट दिया रहता है। यदि ये राउंड टोटली राउंड रहे, बोल्ट टाइट कीजिएगा तो ये स्लिप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फ्लैट दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम टरेट में इसको सेट करेंगे, स्लिप में लगा करके टरेट में जब इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो फ्लैट एरिया है, यहाँ फ्लैट एरिया में डायल, इसको डायल गैस डायल प्लंजर डायल जो होता है, प्लंजर डायल से इसको डायलिंग करते हैं। जब डायल कर लेंगे, जब ये 8 से 10 माइक्रोन में यदि आ जाए तब इसको सेट करेंगे। यदि 30 से 40 माइक्रोन में, यहाँ से यहाँ तक इसका रन आउट यदि 30 से 40 माइक्रोन में रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंटिंग मार्क क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में जब हम सपोज हम 40% ओवरहैंगिंग है, 60% क्लेम किए हैं, उसके बावजूद भी चेंटिंग मार्क आता है, ऐसे कंडीशन में हम फ्लैट एरिया में यहाँ पर डायल लगा करके इसको डायल कर लेते हैं और इसके 8 से 10 माइक्रोन में इसको सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे डायल सेट करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बोरिंग बार या कोई भी टूल होल्डर को किस तरह से डायलिंग करते हैं। तो इसको जब हम लोग डायल कर लेंगे तो ये चेंटिंग मार्क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया किस तरह से चेंटिंग मार्क यदि आए तो उसको करेक्शन किस तरह से करेंगे। और नेक्स्ट लॉन्ग बोरिंग बार, अब सपोज मैं अभी आप लोगों को बताया कि 40% से कम यदि ओवरहैंगिंग रहे तो चेंटिंग मार्क नहीं आएगा, 40% से ज़्यादा यदि ओवरहैंगिंग रहे तो चेंटिंग मार्क आएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमें कोई ऐसा जॉब बनाना है, ठीक है, ऐसा जॉब बनाना है जिसका लेंथ सपोज दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ सपोज 70 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 70 दिया हुआ। ठीक है, इसका जब लेंथ 70 दिया, हमें यहाँ पे थ्रू बोरिंग करना है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, 40 या 60 वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 30% भी क्लेम करना होगा, 70% ओवर हैंगिंग रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए लॉन्ग बोरिंग बार, जो स्पेशल टाइप का बोरिंग बार रहता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल फिलअप किया रहता है जो कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो लॉन्ग बोरिंग बार यूज़ करेंगे, वो स्पेशल टाइप का बोरिंग बार होता है, जो टूल सप्लायर होता है उन लोग से बोलने से वो स्पेशल टाइप का बोरिंग बार दे देता है। वो
लॉन्ग बोरिंग बार के लिए ये वाला स्पेशल टाइप का बोरिंग बार को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि चैटरिंग मार्क आए तो हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे और चैटरिंग मार्क आने का मेन क्या क्या रीजन होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।